हेलो दोस्तों, सगुन ब्यूटिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको 5-6 इयर्स की बेबी का फ्रॉक सिखाऊंगी। उसके लिए हमने एक कपड़ा बिछा लिया है और इस कपड़े की हमने 4 तय कर लिए है, 1, 2 और 2, ये 4। और ये हमारा बंद साइड है, उधर से हमारी खुली साइड है। उसके लिए हम लंबाई ले लेते हैं। हमारी लंबाई है 30 इंच की, तो हमने एक्स्ट्रा ले लिया 32 इंच नीचे से मोड़ने के लिए। और अब हम ऊपर से तीरा लेंगे इसका। तो हमने इसका तीरा लिया है 6 इंच का और मुड्डा लिया है 5.5 इंच का, और यहां से लिया है हमने 8.5 इंच का। 1 इंच मार्जिन रखा है हमने इसमें। यहां से चौड़ाई हमारी 7 इंच की, आप जितना चाहो उतना मार्जिन रख सकते हो। और जो जहां पे हमने निशान लगा था यहां से 32 इंच का, यहां पे भी हम 32 इंच का निशान लगा लेंगे कोने पे, और इसको ऐसे सीधा मिला देंगे ऐसे। और अब हम लेंगे यहाँ पे मुड्डे की गोड़ाई, ऐसे मुड्डे की गोड़ाई कर देंगे, और यहाँ पे है हमारा 8 इंच का निशान। अब इसको और जो यहाँ पे कोना है इसको मिला देंगे ऐसे। ये हमने ऐसे मिला दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले एक और यहां से हम रखेंगे 1.5 इंच, जो हमने ये निशान लगा था इससे ऊपर यहां से 1.5 इंच रखा है। 1.5 इंच रख के और यहां से हम ऐसे गोड़ाई कर देंगे इसकी, यहां से ऐसे। ये हमने गोड़ाई कर दी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे ऐसे। इसकी मैं स्टिचिंग भी सिखाऊंगी। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है, इसको हम अलग कर देंगे ऐसे। अब हमने एक 4 फोल्ड कर लिए एक कपड़े की। इसकी लंबाई है 8 इंच और चौड़ाई है 9.5 इंच। अब हमने जो पीस काटा था ना फ्रॉक के लिए, उसको ऐसे रखेंगे ऐसे, और इसके इक्वल एक कपड़ा और काट लेंगे ऐसे, यू का यू ऐसे। ये हमने कपड़ा काट लिया। हमारे फ्रॉक की कटिंग हो गई है कंप्लीट, स्टिचिंग और करना सिखाऊंगी मैं आपको। तब तक मेरे चैनल पर नया आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। जो हमने अलग पीस काटा था इसको इसके साथ ऐसे जोड़ देंगे। और हमने ये भी देखना है कि हमारे दोनों साइड, ये ऊपर वाला भी सुलटा होना चाहिए और नीचे वाला भी सुलटा होना चाहिए। और जो दूसरा पीस है, ये हमने 2 पीस काटे थे, दूसरा पीस है वो हम इस साइड में जोड़ देंगे ऐसे। जैसे हमने ये जोड़ा था ऐसे ही हम ये जोड़ देंगे। ये हमने दोनों साइड जोड़ दिए हैं पीस। अब हम दूसरा भाग उठाएंगे अपना, दूसरा हिस्सा। अब इसको ऐसे रखेंगे और इसको भी हम उल्टी साइड में रखेंगे ऐसे। ये हमारा उल्टी साइड है और ये उल्टी साइड है, इसको हम ऐसे जोड़ लेंगे इसके साथ। जैसे हमने इसके साथ जोड़ा था ना, इसको भी ऐसे ही जोड़ लेंगे।
ऐसे जोड़ लेंगे और ऐसे ही हम दूसरी साइड में जो हमारा दूसरा पीस है ना इस साइड में जोड़ा था उसको भी हम इस के साथ ऐसे जोड़ लेंगे, ऐसे जोड़ लेंगे और मशीन लगा देंगे। ये हमने अपने दोनों साइड में जोड़ लिया है। अब हम इसको ऐसे मोड़ते हुए और इसको ऐसे हो कर लेंगे। यहाँ पे हम इलास्टिक लगाएंगे, आधा आधा इंच का मोड़ लेंगे ऐसे। ये हमने इसको मोड़ लिया है और हम जितना ये हाफ है ना इतना इलास्टिक लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे इलास्टिक लेके थोड़ा सा एक्स्ट्रा, और ऐसे सेफ्टी पिन से हम इसको अंदर डाल लेंगे। आप किसी चीज से भी डाल सकते हो ऐसे, और जहां से हमने जगह छोड़ रखी है उस जगह से ये हमने जगह छोड़ रखी है इससे ऐसे डाल लेंगे। डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये इलास्टिक हमने डाल दिया इसमें, हम इसमें आधे से कम रखेंगे क्योंकि ये हमारा इलास्टिक मैंने पूरा लगाया तो ये ज्यादा लग रहा था तो इसलिए मैंने कम रख दिया। अब हम इसको ऐसे सील देंगे इलास्टिक को ऐसे सील के, और बाकी के इलास्टिक को हम काट देंगे। ये 6-7 साल के लड़की के लिए है, देखो ये हो गया। अब हम इसको जो हमने खुला छोटा था इसको सील लेते हैं और हमारा जो बाकी का ये है इसको हम काट लेंगे। अब हम जो ये हमारा और हम इसको अब ऐसे मोड़ लेंगे एक पैर का ऐसे, देखो हम ऐसे मोड़ते हुए जाएंगे आधा इंच का रखते हुए, ऐसे ही हम दूसरी साइड की बाजू को मोड़ लेंगे। ये आगे से हमने मोड़ लिया है, अब हम इसकी फिटिंग लगा लेंगे जैसे नॉर्मल फ्रॉक के लगाते हैं। इसको आप क्रॉप टॉप भी बोल सकते हो और फ्रॉक भी बोल सकते हो। अब इसके हम साइड की मशीन लगा लेंगे। साइड की हमने मशीन लगा ली है दोनों साइड की। अब हम इसको नीचे से मोड़ लेंगे, इसको ऐसे करेंगे फिर से एक बार ऐसे मोड़ेंगे। हम अपने पूरे घेरे पे मशीन लगा लेंगे। देखो ये हमारा टॉप बन के हो गया तैयार। नीचे का देखो कुछ बनने के बाद ऐसा लुक आया।